हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने को लेकर सरकार की ओर से गठित कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक शनिवार को शिमला में हुई। बैठक के बाद सब कमेटी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया है, जिसमें 10,53,021 महिलाएँ पात्र हैं। उन्होंने कहा इन्हें कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल अंतिम फैसला देगा। हाँ, आज हमारी एक प्रकार से बजट में जाने से पहले ये आखिरी मीटिंग थी हमारी समिति की, जिसमें हमारे बीच में प्रोफेसर चंद्र कुमार जी भी आए और अनिरुद्ध जी भी थे मंत्रियों में, और मैं स्वयं इनके साथ था। हमारी हेल्थ सेक्रेटरी और सभी डायरेक्टर जितने सोशल जस्टिस के या हमारे दूसरे विभागों के, जैसे SC ST और महिला उनकी जो हमारी देखने वाला डिपार्टमेंट है, उनकी सभी लोगों की मीटिंग थी आज। और हम लोगों ने फैसला ले लिया है कि भाई, जिस प्रकार से हमने आधार रखा है अपने राशन कार्ड को या आधार कार्ड को, तो हर प्रकार के ब्लॉक्स में ये डेटा एकत्रित कर दिया गया है। उसके अनुसार हमारे पास कुल जितनी भी 18 और 59 वर्ष की महिलाओं की जो कुल जनसंख्या आती है, वो आती है 22,40,452। और इसमें जो पात्र महिलाओं की जनसंख्या बनती है, वो बनती है 10,53,021। इन सब को हमने जो 1,500 रुपये का लाभ देना है, उसके लिए धनराशि की जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 1,895 करोड़। ये अभी तक की हमारी अनुमानित एक प्रकार से डेटा फिगर हैं हमारे पास, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, और इसको हमें इतना देना होगा। सर, और क्या इसमें क्राइटेरिया अच्छी बात जिससे आ रही है? नहीं, परिवार में अगर ऐसी महिलाएं होती हैं जो जिसमें कवर होती हैं और वो पात्र महिलाओं की संख्या में आती है, तो एक से ज़्यादा महिलाओं को मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। जो क्वालीफाई करेगी एक से ज़्यादा, कोई तय की गई है कि इतनी आयु सीमा होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात है, क्या फेज मैनर में हमने जो फिगर किया है वर्कआउट, वो 18 से 59 वर्ष के बीच में ही किया है। अभी तक का जो हमारा जो डेटा लिया गया वो इसी अनुसार दिया गया है, और उसी के मुताबिक हम इनको पैसे बांटेंगे। सर, कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं? अब मैं, क्योंकि देखो, ये सब ऐसी महिलाएं होंगी जो मैं समझता हूँ जिनकी अपनी हालत ठीक नहीं होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।